शिवसेना के नेता संजय राउत ने एक बार फिर केंद्र सरकार पर केंद्र जांच एजेंसियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए कहा कि 48 घंटे के लिए ईडी हमारे हाथ में देके देखिए। देवेंद्र फडणवीस भी शिवसेना को वोट करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है साजेब और आप देखना शुरू कर चुके हैं SPN9। दरअसल संजय राउत केंद्र सरकार पर ईडी के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाते हुए बार बार कहते हैं कि शिवसेना उनसे डरती नहीं है। इससे पहले राउत ने आरोप लगाते हुए कहा था कि पूरे देश में केंद्र जांच एजेंसी की टाइमिंग हमें पता है, जहां कहीं भी चुनाव होने वाला होता है या जब किसी राज्य सरकार में अस्थिरता पैदा करनी हो तो ईडी और CBI को भेजा जाता है, लेकिन महाराष्ट्र ना झुकेगा ना शिवसेना डरेगी। चुनाव आयोग पर लगाया BJP के समर्थन करने का आरोप। बता दें कि महाराष्ट्र में राज्यसभा की 6 में से 3 सीटें BJP के जीतने के बाद शिवसेना नेता संजय राउत ने शुक्रवार को चुनाव आयोग पर BJP का पक्ष लेने का आरोप लगाया। संजय राउत ने कहा, चुनाव आयोग ने हमारे एक वोट को अमान्य कर दिया, हमने 2 वोटों का विरोध किया लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की गई, चुनाव आयोग ने भाजपा का समर्थन किया। मतगणना में हुई 8 घंटों की देरी, बता दें कि BJP के पीयूष गोयल, अनिल बोंडे और धनंजय महादेव ने राज्यसभा चुनाव में जीत दर्ज की, जबकि महाविकास आघाड़ी के 3 उम्मीदवार शिवसेना के संजय राउत, NCP के प्रफुल्ल पटेल और कांग्रेस के इमरान प्रताप गढ़ी ने भी जीत हासिल की। हालांकि MBA के संजय पवार BJP के धनंजय महादेव से हार गए। BJP और सत्तारूढ़ MBA गठबंधन द्वारा क्रॉस वोटिंग और नियम का उल्लंघन को लेकर चुनाव आयोग के पास शिकायत दर्ज कराने के बाद राज्य में मतगणना में लगभग 8 घंटे की देरी हुई। क्रॉस वोटिंग के आरोप के बाद BJP और शिवसेना दोनों ने वोटों को अयोग्य घोषित करने की मांग की। इसी तरह की खबरों के लिए बने रहें और देखते रहें SPN9 न्यूज़।